ये घर किसने इतना रंगीन कर दिया? मुझे भी पता नहीं था शक्ति जी, वो तो शिवाय की सास ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि मैं सारे अरेंजमेंट्स करा दूं, तो मैंने करा दिए। शिवाय की सास? ओ मैं माता, मैं तो आपको बताना ही भूल गई, फॉरगेटफुल हो गई हूँ। अनिका को उसकी माँ मिल गई है एक्चुअली। नहीं मैं समझा नहीं, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ अनिका तो नहीं, 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 वो अनाथ नहीं है। वो दिखाते नहीं है हिंदी पिक्चर्स में बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं मेले में टाइप्स, लेकिन ये असली में बिछड़ गई थी अपनी माँ से, इतने सालों के बिछड़े अब मिले हैं जाके। वो तो ठीक है, लेकिन उसकी माँ है कौन? वो ओ मैं माता, वो अंग्रेजी में कहावत है ना, टॉक ऑफ द डेविल्स आ गई। नयन तारा जी, अनिका की माँ और शिवाय की सास। आप शायद सोई नहीं है ठीक से, काफी थकी लग रही है नहीं पिंकी? दरअसल हमको आदत है दिन में सोने की और रात को जागने की। आप नाइट ड्यूटी करती हैं? ऐसे ही समझ लो, वैसे लोग हमें रातों की रानी कहते हैं। वैसे आपकी तारीफ? ये मेरे हस्बैंड्स हैं, मिस्टर शक्ति सिंह ओब्रॉय। अच्छा, मतलब आप हमारे समधी जी हुए है ना? नमस्ते समधी जी। देखिए ना, समाज का क्या दस्तूर है, समधन जी से तो हम गले लग सकते हैं, लेकिन समधि जी से? कोई बात नहीं, हम अपने दामाद से गले लग लेते हैं। दामाद तो बेटी जैसा होता है ना? वैसे आज हम अपनी बेटी के ससुराल वालों से पहली बार मिल रहे हैं, तो हमने आप सबके लिए कुछ खास तैयार किया है। अच्छा? आप लोग तशरीफ रखिए ना, एक मिनट। हो गया क्या आपका तमाशा, अभी बचा है? अरे हम सिर्फ ऐसे क्यों बात कर रही है बेटी? एक मिनट, कैसी बेटी, किसकी बेटी, कौन सी बेटी? अनिका ये तो कैसी बातें कर रही है? पिंकी आंटी, मैंने अभी तक कुछ बात ही नहीं की है, मुझे इनसे कुछ पूछना है। आप मेरी माँ होने का दावा करती है ना? दावा? बेटा सच में तेरी माँ है, तू सच में हमारी बेटी है? इससे आप मुझे छोड़ के चली गई थी? ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आपको अपनी छोटी सी बच्ची को ऐसे छोड़ के जाना पड़ा? क्या उनकी तरफ क्यों देख रही हैं आप? मैं आपसे बात कर रही हूं तो मुझे जवाब दीजिए। कोई अपनी माँ से ऐसे बात करता? शिवाय मेरे दिल में कुछ सवाल हैं जिनका जवाब मुझे चाहिए, बस। हाँ तो जवाब मांगने का एक तरीका होता है, अगर तुम्हें उनसे कुछ बात करनी है तो उन्हें अंदर अकेले में ले जाओ और उनसे बात करो। क्यों? जब इन्हें कोई शर्म नहीं है, किसी का लिहाज नहीं है, तो मैं इनका लिहाज क्यों करूं? तो मुझे बताइए कि आप मुझे छोड़ के क्यों गए? कहां फंस गए? अब हम इसे क्या जवाब दें? लगता है निरुपा रॉय बनना ही पड़ेगा।
कौन सी माँ अपनी बच्ची को दर दर की ठोकरे खाने के लिए छोड़ कर जाएगी बताओ। हम मैंने इसे सब बताया तो था, माता रानी करे इसे सब याद हो, नहीं तो मेरी उम्र माता करा देगी आज ही। क्यों चुप बैठी हैं? बोलिए। तेरे ना तेरे सारे सवाल जायज़ हैं, तेरा गुस्सा भी जायज़ है, और तुझे ना सच जानने का हक भी, पूरा हक। हाँ तो बताइए फिर कि आपने मुझे क्यों छोड़ा? मजबूर थे सच में। मैं भी यही कह रही हूँ कि अगर आप मजबूर थी तो आप क्यों मजबूर थी जब आपको मुझे छोड़ना पड़ा? Okay, Anika, just stop it. शिवाय आज तक इन्होंने मेरी कोई खबर नहीं ली, आज अचानक से इनको अपनी बेटी याद आ गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आप शिवाय सिंह ओबेरॉय की बीवी। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इसलिए यहाँ नहीं आए हैं कि तू आज इतने बड़े घर की बहू बन गई, सच में इसलिए आए क्योंकि ठीक है, सच में तू हमारी बेटी है, सच में हम तेरी माँ है, हम इसीलिए तो आए यहाँ, सच में। फालतू की बातें छोड़िए, जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। अब हम तुझे कैसे समझाएं? क्या कहेगी तू मान लेगी हम तेरी अम्मा है? हमारी तो किस्मत ही फूटी, पहले हम तुझे छोड़ के आए और अब तू हमको बचाने के लिए तैयार नहीं है। अरे माफ कर बेटी। नाटक बंद कीजिए और बात को जलेबी मत बनाइए और सीधा जवाब दीजिए। क्या कर रही होने का, जवाब देने का मौका तो दो इन्हें। क्या जवाब देंगी? कोई जवाब ही नहीं है इनके पास। लगता है हमारी बेटी ने हमको अभी तक माफ नहीं किया। अब हम उसे कैसे समझाएं? दामाद जी आप बताइए, एक अकेली जवान औरत के लिए समाज में जगह कहाँ है रहने की? हम उसे कैसे संभालते आप बताइए? न खाने के लिए रोटी, न पीने के लिए पानी, हमारे सर पर छत भी नहीं थी। अरे दर दर भटकते थे, एक वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पा रहे थे हम अपनी बच्ची के लिए। कलेजे पे इतना बड़ा पत्थर रखा हमने, तब जाकर अपनी फूल जैसी बच्ची को अनाथ आश्रम में छोड़ कर आए। हे भगवान, कैसे समझाएं हम इसकी बेटी को? ओमे माता, ये क्या बके जा रही है? ऐसे तो ये पूरे प्लान की ओमे माता कर देगी। शिवाय, अनिका बड़ी परेशान लग रही थी, उसे तेरी जरूरत है। संदन जी आप मेरे साथ आइए, संभालिए अपने आप। ये क्या हो रहा है? पागल की बच्ची मुझे मेंटल्स करेगी क्या? क्यों हमारे प्लान्स की उमा माता करने पे तुली हुई है? अरे ऐसा क्या कर दिया है हमने? अब क्या कर दिया हमने? हम की दुकान वहाँ क्या बकवास करी थी शिवाय के सामने? मैंने तुझे अनिका की पूरी स्टोरीज बताई थी, बताई थी कि नहीं? मैंने कहा था ना तुझे कि तू उसे मंदिर के पास छोड़कर आई थी, जहाँ से मिस्टर बजाज ने उठा के उसे अनाथ आश्रम में डाला था। अब तुझसे कोई गलती हुई ना तो तू देख। व्हाट इज रॉन्ग विद यू अनिका? कोई अपनी माँ से ऐसे बात करता है? मैंने कहा ना वो मेरी माँ नहीं है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे लिए सच एक्सेप्ट करना आसान नहीं है, लेकिन बात क्यों नहीं मान लेते? मैंने कहा वो मेरी माँ नहीं है, क्यों नहीं मान रहे हम बात? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है अनिका? ऑर्फनेज वालों ने खुद मुझे नैनीताल जी का एड्रेस दिया। क्यों अनाथ आश्रम वालों से गलती नहीं हो सकती? नहीं, उनसे गलती नहीं हुई है। ओके, यू नो व्हाट, सच इतना शॉकिंग है कि तुम इसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हो।
आप बात मान क्यों नहीं रहे? मैंने आपको बताया ना, जब मैं उनके गले मिली हूँ तो मुझे एक बार भी एहसास नहीं हुआ शिवाय। इतने सालों में ना यादें धुंधली हो जाती और एहसास की बात कर रही हो तुम। उनसे मिलोगी, बातें करोगी ना तो खुद ब खुद कनेक्शन मिल जाएगा तुम्हें। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्यों साबित करने पे तुले हुए हैं कि वो मेरी माँ है। क्योंकि यही सच है अनेका, तुम इस सच को मान क्यों नहीं रही हो? और क्यों मानूं मैं, जब ऐसा कुछ है नहीं, वो मेरी माँ नहीं है तो मैं क्यों मानूं? मुझे क्या करना पड़ेगा ये सच मनवाने के लिए? हाँ, प्रूफ देना पड़ेगा तुम्हें हाँ कि ये तुम्हारी माँ है। हाँ, मुझे सबूत चाहिए। ओके ठीक है, डीएनए टेस्ट कर ले। यू नो व्हाट, वन सेकंड, डीएनए टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक और तरीका है जिससे पता लग जाएगा कि यही तुम्हारी माँ है। क्या तरीका? मैं जब ऑर्फनेज गया था तो मुझे मेट्रिन ने एक बॉक्स दिया था, पुराना बॉक्स जिसमें तुम्हारी बचपन की चीजें थी। तुम शायद पहचानो या ना पहचानो, तुम्हारी माँ उसे देखते ही जान जाएगी कि वो तुम्हारी चीज है। ये कैसी चीज है? ओ मैं माता, ये शिवाय कौन से सामान की बात कर रहा है? हमें क्या पता। इस बॉक्स में तुम्हारी बचपन से जुड़ी कुछ यादें हैं, जैसे तुम्हारी माँ देखेगी वो पहचान जाएंगी। बस गए, इस टेस्ट पे तो हम फेल होंगे। ओ मैं माता, बड़ी आई फेल्स होने वाली, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। साइड हट। फोन किसे लगा रही है? अनाथ आश्रम की मैट्रन्स को, उसको तो पता होगा ना सब सामान कहाँ से आया। हाँ। उस मैट्रन का फोन लग ही नहीं रहा है। हे भगवान, अब तो हमारा भांडा फूटा ही फूटा। ठीक है तो चले बाहर चलते हैं, उनको चीजें दिखाते हैं, और अगर वो पहचान गई कि ये चीजें तुम्हारी हैं, तब तो तुम मान लोगी कि वो तुम्हारी माँ है। मुझे एक बात बताइए, अगर आप उन्हें ये कह देंगे कि ये मेरा बचपन का सामान है तो वो तो हाँ ही बोल देंगी। तो इसमें टेस्ट वाली क्या बात हुई? एक काम करते हैं, इसमें कुछ चीजें मिला देते हैं, उसके बाद तुम्हारी माँ से पूछेंगे कि इसमें से कौन सी चीजें तुम्हारी हैं। अगर उन्होंने पहचान लिया तो फिर वो तुम्हारी माँ होगी। इस बार ओके? ठीक है। ओ मैं माता, अब तो पक्का हमारा झूठ पकड़ा जाएगा। जैसी शिवाय के सामने सारा भांडा फूटेगा ना, वो सबसे पहले पुलिस को फोन करेगा। पुलिस? तू तो जेल जाएगी, मेरी भी ओ मैं माता ओके रहेगी। क्या? मैं अपने बच्चे के सामने जलील नहीं हो सकती। तू फौरन यहाँ से रफा दफा हो। आपको लगता है इससे कोई फायदा होगा? जब से वो पेरिस से वापस आई है मैं उसका पीछा कर रही हूँ। बहुत ज्यादा मजबूत दिखने की कोशिश कर रही हूँ, पर बेचारी अभी भी अंदर से डरी हुई है। पर मुझे लगता है कि ये उसका दिमाग तुमसे दूर रहने को कह रहा है, पर उसका दिल तुम्हारे पास आना चाहता है। सच कहूं रणवीर, तो वो तुम्हें भूल नहीं पाई। आखिर तुम उसका पहला प्यार जो थे। पहला प्यार इंसान को कमजोर बना देता है। हमें उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाना है। और तुम्हें फिर से उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना होगा, समझा? Are you sure, मौसी? पहले ही बड़ी मुश्किल से अपनी नौकरी पे बहाल हुआ हूं, अब फिर सौ ब्रो इससे पंगा? क्यों, अपनी बेइज्जती भूल गए या फिर वो थप्पड़ भूल गए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसे करने की? गेट आउट। तुम बोल सकते हो लेकिन मैं नहीं। जब तक मैं अपनी बेइज्जती का बदला नहीं ले लूंगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी। लेकिन वो शिवाय सिंह अग्रवाल है, कुछ भी कर सकता है। और हम उससे कुछ भी करवा सकते हैं। उसके भाई बहन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, और हमें उसकी इसी कमजोरी पर वार करना है।
अपने बेटे माही से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, पर तुमसे है। जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारी माँ तुम्हें मेरी गोद में छोड़कर चली गई। तब से लेकर आज तक जिंदगी की हर लड़ाई में तुमने मेरा साथ दिया। तो मैं जानती हूँ इस लड़ाई में भी तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, ओबरॉयज ने जो हमारे साथ किया उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। ठीक है मौसी, जो आप कहें करो। राव जान की चाची थी, धीरे धीरे मटक कर क्यों चल रही है? तेरे पैरों में मेहंदी लगी हुई है। शिवाय आ गया तो धक्के मार मार कर निकालेगा, निकाल यहां से। पिंकी, क्या हो रहा है सब? जी कह रही थी कि उन्हें अपनी बेटी के घर रहना शोभा नहीं देता, इसलिए यहाँ से जाना चाह रही थी। समदन जी, आप भी किस जमाने की बातें कर रही हैं? आजकल ये सब चीजें, ये सब बातें कोई नहीं मानता। ये घर आपकी बेटी का अपना घर है और बेटी का घर अपनी माँ के लिए पराया नहीं होता। हाँ वो तो है, लेकिन जब बेटी पर ही हक नहीं है तो फिर उसके घर पर कैसा हक? नहीं मैंने भी समदन जी को बहुत समझाया। हाँ पर अब हमारा रिश्ता ही ऐसा है ना शक्ति जी, मैं जिद करके इन्हें रोक ही नहीं सकती हूँ कभी भी। इसलिए सोच रही थी हम अनिका को अच्छे से समझा लेंगे फिर इन्हें वापस बुला लेंगे। हाँ लेकिन तुम अनिका को इनके सामने क्यों नहीं समझा सकती हो? और समदन जी, आपको अगर अपनी बेटी के पास आना है तो मुझे नहीं लगता कि आपको उससे दूर जाना चाहिए। वो क्या है ना शक्ति जी, मतलब समझी जी, हमारी बेटी ने हमारी वजह से बहुत तकलीफें सही है, हम नहीं चाहते कि वो और दुख सहे। हम चलते हैं। नमस्ते। कौन कहाँ जा रहा है? प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।